लास्ट क्लास में बेसिक बता रहे थे आपको, इसके बारे में बताया आपको या नहीं बताया? ये पांच नंबर मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? कौन बताया? पांच नंबर मैंने आपको बताए थे बेटा, फाइव नंबर्स में बताया था आपको, बताया था ना कौन कौन से होते हैं फाइव नंबर से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर और लास्ट में इंटीजर नंबर। और भी आएंगे खूब सारे बेटा, वो भी करेंगे हम, आप पहले इनको देखो। इतने मैंने कल बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, इतने लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। अभी और भी बहुत सारे नंबर है मैंने आपको बताया, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, बहुत सारे नंबर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे आराम से। किसी बच्चे कोई डाउट हो बता देना बेटा। अच्छा, इनके बारे में मैंने क्या बता दिया, थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ डिस्कशन। इसमें एन मतलब नेचुरल नंबर होता है आपके पास, 1 2 3 चलते जाओ कहां तक, इनफिनिटी तक, ये तो बताया था। होल नंबर क्या होता है बेटा? होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है कि 1 2 3 4 चलते जाओ। फिर रियल नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होता है? माइनस इनफिनिटी, माइनस शामिल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आते हैं इसमें। इसके बाद में क्यू मतलब रेशनल नंबर, वे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जी, P by Q form में। जैसे अकेला 5 है, 5 upon 1 हो गया रेशनल, लेकिन Q is not equals to 0 बताया था। क्यों? क्योंकि जब Q 0 हो जाएगा तो P by 0 आपका not defined हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Not defined हो जाएगा। तो ये वाला केस ध्यान दे देना, दिख रहा है ना इतना। इसके बाद में बेटा लास्ट Z और I, ये मैंने इंटीजर नंबर बताया था। इंटीजर और रियल आपका लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो डिफरेंस क्या है बेटा? कि रियल और इंटीजर में आपके पास जो डेसिमल है, डेसिमल और फ्रैक्शन ये वाले नंबर नहीं आते। इंटीजर नंबर में डेसिमल वाले नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते बेटा, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। इसमें एग्जांपल क्वेश्चन निकाल लो आप लोग चुपचाप। चैप्टर फर्स्ट का एग्जांपल नंबर फर्स्ट निकाल लो। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है? मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए दी है, एग्जाम्पल फर्स्ट में सारी काम आएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट आप तभी बता सकते हो जब आपको ये चीजें आती हैं। ये चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है सारी सारी। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, तो बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट आपने पढ़ लिया, इधर करवा रहा हूँ। इसमें हमें बताना है ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? ट्रू फॉल्स बताना है तो सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो बेटा पहला क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर
क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? देखो, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में है? नहीं। अब तो आंसर लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख के बता सकते हो क्या सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका जीरो होता और तो सब है। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है बेटा, सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, यही तो कह रहा है। क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर में हैं? देखो रेशनल में कौन? रेशनल में वे सारे नंबर हैं जो p by q में लिखे जा सकते हैं, लेकिन q जीरो नहीं होगा। तो बताओ, इंटीजर में आपके पास जितने भी लिख रखे हैं क्या सारे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं? बताओ। हे भगवान, कैसे कैसे सो रहे हैं? अरे जितने भी नंबर लिख रखे हैं इंटीजर में क्या सभी नंबर्स को मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तान्या कवर, देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं। क्या आप यहाँ जितने भी नंबर है हर नंबर के नीचे वन लगा सकते हो? हर नंबर के नीचे वन लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप हर नंबर के नीचे वन लगा सकते हैं, ऊपर तो यही आ जाएंगे ऐसे कैसे, नीचे वन आ जाएगा, तो कौन सा फॉर्मेट हो गया? p by q हो गया। p by q क्या होता है? जिसके अपॉन में लगा के लिख सके और नीचे हम वन लगा देंगे इंटीजर में। तो सारे के सारे इंटीजर को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। Every rational is an integer. वही वापस। अच्छा उल्टा। Every rational is integer. बताओ क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर नंबर होता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहूं कि रेशनल नंबर है 2 by 5, कुछ भी है, क्या ये इंटीजर नंबर है? इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि रेशनल आपका क्या आएगा? फ्रैक्शन में और डेसिमल में आ सकता है, लेकिन जो आपका इंटीजर है वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आया। आधे बात समझ में? आप लोग नोट कर सकते हो, करना चाहो तो। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बड़े आराम से पूछना चाहता है तो पूछ लेना, नहीं पूछना चाहता तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर सेकंड। लिख लिया? शाबाश बेटा, दो बच्चों ने लिख लिया, रिद्धिमा गौतम, दिव्या राठौर, आदित्य यादव। आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही रहेगी, आप प्रॉब्लम से बाहर निकलो, वास्तविक दुनिया में आओ। अभी हम काल्पनिक नंबर नहीं पढ़ रहे बेटा, आदित्य यादव वास्तविक नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। हिंदी का दिन आपको थोड़ी बहुत, इन सभी नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ये प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिर आपके पास ये परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। हिंदी तो आती होगी सबको, आती है फर्स्ट क्लास।
अच्छा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल क्या बोल, आपने नोट नहीं किया है तो बताओ, अगर कर लिया है तो रफ कर दो इसको। कर ही लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड बोलता है बेटा इसमें 0.5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, एक और दो के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने, कितने भी बताने सारे बता देंगे। देख फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। कौन से होते हैं वो रेशनल नंबर जो हम बताने जा रहे हैं? कुछ बच्चों को आता ही निकालना, वेरी गुड, मुझे पता है कुछ बच्चों को आता है, जिनको आता है उनको ध्यान से समझना है, नहीं आता वो समझ ही जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन तो जरूर रहेगा, जिनको नहीं आता उनको तो समझना ही, जिनको आता है वो कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए वो ध्यान से समझे। हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में निकालने हैं रेशनल नंबर। क्या लिखते हैं रेशनल? बस देखो 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, ये रहा आपका 1, ये रहा 2, मैं इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत है? दोनों नंबर का आप डिनोमिनेटर सेम रखना, फिर आपकी मर्जी हो उससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, लेकिन ध्यान रखना आप जो भी कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा करते हो उसको कैलकुलेट करके वापस वही आना चाहिए जो पहले था। क्या इस पूरे को काटने के बाद 1 आता है? आता है 1। इसको काटने के बाद 2 आता है? आता है 2। इसका मतलब 1 और 2 ही है दोनों। अरे ये पूरा का पूरा 1 ही तो है, जैसे मैं इसको लिखूं 10 by 10, इधर लिखा मैंने 20 by 10, ये जो दोनों नंबर है मैंने लिखे हैं, ये नंबर क्या है? 1 ही तो है आपका, ये कुछ और है? 1 ही तो है, लग ही नहीं रहा आपको तो 1। ये 2 है। 1 और 2 को हमने दूसरे फॉर्मेट में लिख लिया, अब इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो कौन से हैं? तो 10 by 10 से आगे और 20 by 10 से पहले, इसके बीच में आएंगे सारे जो लिखोगे, लेकिन नीचे का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम रखना, उसको मत हटाना, डिनोमिनेटर को मत हटाना। जैसे 10 by 10 के बाद 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10, आप चलते जाओ 19 तक लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? आपको कितने पूछे हैं? 5 पूछे, 5 में नहीं थी पहले ही, आपको कहे कि 20 बताओ, 5 नहीं 5 नहीं बताने, 20 बता दें इसमें, तो 20 कैसे बताएं? तो हम किसको हटा के क्या करते हैं? और मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 30 by 30 कर दो, ये भी तो आपका 1 ही है, उधर भी नीचे 30 करेंगे 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर ही, तो 60 by 30 हो गया। बताओ 20 निकाल सकते हो? 20 आए कि नहीं आए? आगे 31 से स्टार्ट करो 59 तक चले, हो गए 20। आई मेरी बात समझ में? सब बच्चों को आ गई, वेरी गुड। अब हम इसमें आते हैं, एक्सरसाइज है आपकी 1.1, नोट कर लो, जिनको नहीं आया सब मैं पूछूं।
एक्सरसाइज 1.1 में आता है। जल्दी से नोट कर लेना बेटा, हैंड रेस कर रखा बेटा, खुशबू पारी जो भी है बताओ क्या हो। अनुज राठी क्या खेल रहे हो बेटा? आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। 1.1 एक्सरसाइज आगे लिखा है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, एक नंबर 3 है दूसरा 4 है, इन दोनों के बीच में हमें लिखने हैं सिक्स रेशनल नंबर, यही तो लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है?
आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर है थ्री, दूसरा है फोर। ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर बताने हैं। तो क्या मैं थ्री को लिख सकता हूँ? थ्री को और फोर को ऐसे लिख सकते हैं, टेन बाई टेन, टेन बाई टेन। एक ही तो बात है, टेन बाई टेन, ये हो गया थर्टी बाई टेन, ये हो गया फोर्टी बाई टेन। आगे चलते जाओ, थर्टी टेन, थर्टी थ्री बाई टेन, इनके बीच में तो है। आई मेरी बात समझ में? क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, तो केवल छह नंबर लिखने थे इनके बीच में, आया समझ में? जो समझा रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। नेहा के समझ में आ गया, शाबाश बेटा। और मोना का डाल गया, आपके भी समझ में आ गया, वेरी गुड। जो दिख रहे उनका ही नाम बोल रहा हूँ मैं, आशु के समझ में आ गया, आशु के आ गया, तान्या तवा, अच्छा काव्य यादव के भी आ गया समझ में, विकास यादव, आपके समझ में आया विकास यादव? दिख रहे हो मेरे को, बताओ समझ में आया? वेरी गुड। नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाय फाइव एंड फोर बाय फाइव। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आपसे कर रहा हूं एक क्वेश्चन ऐसा ही, बीच में रेशनल नंबर निकालना, और नहीं किया ना तो फिर देख लेना। एक एक का नंबर आएगा फिर सबका, एक एक करके सबका नंबर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, और कितने निकालने हैं? पांच। बताओ तीन से आगे चलेंगे, फोर बाई फाइव होते खुद ही आ गया, तो बीच में निकालना है तो कैसे निकाले? आप डिनोमिनेटर बढ़ा दो, बड़ा कर दो, कितना ही जो आपका मन करे उतना बड़ा कर दो डिनोमिनेटर को, जैसा आपका मन करे, आपका जो मूड करता है उतना ही बड़ा कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आप सौ से भी मना कर सकते हो, ऊपर नीचे 500 से भी करो, 1000 से करो, आपकी मर्जी, नीचे वाला दोनों का सेम रहना चाहिए बस। ये बन गया आपका 60/100, ये बन गया आपका 80/100। अब तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं, कर लोगे 61/100, 62/100, 63/100, हो गया बेटा। लिया समझ में आ रहा है? टेंशन में कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिए? हाँ बेटा, आंसू बैठ के पढ़ा करो, आंसू बेटा बैठ के पढ़ा करो। देखो आगे, अब है ना, मैं इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने सबने कर लिया, ये कर लिया, लिखूं क्वेश्चन? हाँ, ये अगर आपने कर लिया है, प्रतिभा यादव कर लिया, शाबाश बेटा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कौन बच्चा सबसे पहले करके कॉपी लिखा? तैयार हो?
ये तो करो। अब क्या करें? बताओ जल्दी से जल्दी, कौन बच्चा करके बताएगा? 1/9, 3/7, इन दोनों के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। 10 1/9 and 3/7, इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर निकाल दे। आशु निकाल भी लिए? अब क्या हुआ, आपने जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रखा था ऐड करके 2 से डिवाइड करना, करते जाओ, हो गया। मैंने देखो वो मेथड समझाया, उसी अकॉर्डिंग करो, सब आसान है। जो पढ़ते हो ना आप, जैसे रेगुलर मेथड पढ़ते हो, 2 नंबर के बीच में पहले दोनों को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, उनके बीच एक नंबर आ गया, फिर उसको उठाओ, फर्स्ट वाले को उठाओ, फिर ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो। ऐसे कोई मजदूरी थोड़ी करनी आपको, करते ही जाने। बेटा एक बच्चे ने आंसू ने कर लिया है शायद, शाबाश सुमित कुमार यादव, सुमित कुमार आपका तो गलत है बेटा, सुमित कुमार दिव्या कुमारी, हाँ बेटा सही लग रहा है मेरे को, थोड़ा दिव्या कुमारी का सही लग रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो करिए बच्चों ने। हाँ और क्या, चंचल राठौड़, चंचल राठौड़ पढ़ती है बेटा, शाबाश। ये 20/60 अभी तक यही लेके बैठे, 20/60 थोड़ी आया बेटा। हाँ बेटा रिया क्या हुआ, तू मैथ पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन पूछा है सर, किसी बच्चे का प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया है, दिव्या कुमारी का थोड़ा बहुत सही था, बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो ट्राई कर रहे हैं उनको बहुत बहुत क्या कहें, सही नहीं किया तो क्या होगा, देखो बात। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी बुक में नहीं है बेटा, लेकिन मैंने जो मेथड पढ़ाया वो मेथड आप अप्लाई करो क्वेश्चन में। हाँ बेटा इस बच्चे को कुछ हद तक सही है, हाँ बिल्कुल सुमित कुमार वेरी गुड, अब सही पढ़ रहे हो बात। देखो एक बार समझ लो, फिर उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे कैसा भी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल करो, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, आप किसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना छोड़ो, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो, जिससे मल्टीप्लाई करना जरूरी है वही करो पहले डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए। तो बेटा इसमें 9 है, इसमें 7 है, इन दोनों का एलसीएम तो कितना आता है, 63 आता है, तो मैं इसको 63 करने के लिए 7/7, इसको 63 करने के लिए 9/9, तो ये हो गया आपका 7/63, हुआ कि नहीं हुआ, और ये कितना हो गया 27/63। अब दोनों का जो नीचे वाला पार्ट के डिनोमिनेटर वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, अब तो यहाँ पे नंबर ही मिल गया आपको, 7 से आगे 27 तक 20 नंबर मिल गए, ऐसे ही 8/63, 9/63, 10/63 करते जाओ, और वो 10-20 से मल्टीप्लाई आप बाद में करना, पहले आपका नीचे वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसमें करते थे ना 3 और 4 के बीच, तो आपने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उस केस में दोनों के नीचे कितना होता था, 1 होता था, 1 होता था ना, तो वहां पे डिनोमिनेटर पहले से बराबर था, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कैसे करना है। चलो
ये लो 16/11 एंड 9/4, इसके बीच में आपको निकालने हैं 5 रेशनल नंबर फटाफट। कौन बच्चा पहले करता है? आपकी बात है, नाम नहीं लेगा। अब तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, अब कोई गलती मत करना बेटा। जल्दी से जल्दी करो फटाफट। 16/11 एंड 9/4, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इतने तो आपसे पूछेगा भी नहीं, 1000 नंबर लिखो दोनों के बीच में। मोहित चौधरी दिख गया बेटा, वेरी गुड, सही है। आपको आया बेटा समझ में जो मैं बता रहा हूँ? चलो अब कर लोगे ना, अब आगे से बताने कोई जरूरत नहीं। अब बेटा इसमें 1.1 आपकी पूरी हो गई, बस इसके फोर्थ क्वेश्चन के 3 स्टेटमेंट बचे हैं, मैं बता देता हूँ तुरंत। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, आप खुद ही बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं क्या? नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? मना कर रहे हैं, ये भगवान क्या आते हो, पता ही नहीं तुम्हारा तो। एक मिनट में सब गायब, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ढूंढने जाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे। मैंने कल पढ़ाया आपको नेचुरल नंबर होल नंबर, आज आते ही पहले वही बताएंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और फिर क्लास खत्म होने वाले फिर पूछ रहा हूँ क्या होते हैं, फिर गड़बड़ कर रहे हो। चलते ही जाओ, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ये 0, 1, 2, 3, 4, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें आएंगे क्या? आ तो रहे हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसमें मिल तो रहे हैं, 1 से इंफिनिटी तक। तो दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है सब, हाँ, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। सेकेंड पार्ट देखो, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सारे इंटीजर नंबर होल नंबर होते हैं? बताओ फटाफट, नहीं होते हैं, स्टेटमेंट गलत है, ये ट्रू है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें तो माइनस के भी आते हैं, होल नंबर में माइनस के आते हैं क्या? नहीं आते, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसमें है ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। नेक्स्ट बेटा थर्ड की बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये
ये तो फर्स्ट था इसका, ये सेकंड था, और थर्ड है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या पॉसिबल है? सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? बताओ। अरे वही बात, रेशनल में भी तो माइनस के आ गए, रेशनल में माइनस के आए कि नहीं आए? होल नंबर तो आपका केवल और केवल कहां तक? जीरो से लेकर इनफिनिटी तक, प्लस नहीं। लेकिन नेगेटिव वाले कहां रहेंगे सारे? नेगेटिव वाले बेटा रेशनल में तो आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। इसमें तो सारे आते हैं, इसमें केवल जीरो से आता है, इसके तो आधा ही पार्ट आता है इसमें, ये तो नहीं आया ना, ये नहीं आया, इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग। आज की क्लास केवल यहीं तक, एक्सरसाइज 1.1 आपकी खत्म। अगली क्लास मिलते हैं, तब तक रिवीजन करते रहिए बेटा। थैंक यू, बाय।